उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैडल रिक्शा को लेकर के विधानसभा के सामने घेराव किया व धरना प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार कुल मिला जुला करके केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जबकि मानक के अनुरूप जबरदस्ती जबरन वैट लगा करके और दामों में वृद्धि की जा रही है। ये सरासर अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व कांग्रेसी नेताओं के बीच जोरदार झड़प हुई व तीखी नोकझोंक के साथ जम करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। ₹30 का पेट्रोल है, उसमें 49.33 रुपए टैक्स है, कुल मिला के 73.66 रुपए पेट्रोल यूपी में बिक रहा है और उसमें टैक्स है और जिसमें